मौसम के अनुसार भोजन में परिवर्तन कर आहार लेने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं। 18 फरवरी से बसंत ऋतु शुरू हो गई है, जो कि 18 अप्रैल तक रहेगी। इस ऋतु में लोगों को अपने खान पान में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। आयुर्वेद संस्थान के सहायक निदेशक डॉक्टर ओम ने लोगों से इस ऋतु में सावधानी बरतने का आह्वान किया है, ताकि उन्हें बीमार होने का भय न रहे। डॉक्टर ओम शर्मा ने बताया कि बसंत ऋतु में कफ की समस्या अधिक रहती है। बसंत ऋतु में खान पान में संयम रखकर व्यक्ति निरोगी रह सकता है। उन्होंने बताया कि बसंत ऋतु दरअसल शीत और ग्रीष्म का संधि काल होती है। संधि का समय होने से बसंत ऋतु में थोड़ा थोड़ा असर दोनों ऋतुओं का होता है, इसलिए बसंत ऋतु में कफ की समस्या अधिक रहती है। उन्होंने बताया कि 18 फरवरी से बसंत ऋतु शुरू हो गई है, जो कि 18 अप्रैल तक रहेगी। इस ऋतु में लोगों को अपने खान पान में विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो ये आजकल जो मौसम चल रहा है, जो ऋतु चल रही है, ये बसंत ऋतु है। 18 फरवरी से शुरू होगी और 18 अप्रैल तक ये चलती रहेगी। इसके बीच में आयुर्वेद के अनुसार, मतानुसार अगर हम देखें तो आयुर्वेद ये कहता है कि ऋतुओं के बीच में भी एक ऋतु संधि होती है, 15 दिन पहले और 15 दिन बाद के। इसके बाद जो मौसम आने वाला है, ग्रीष्म ऋतु आने वाला है, आजकल आयुर्वेद जो कहता है कि सर्दियों में शीत ऋतु जिससे पहले बीत गया, उसमें सारे शरीर में कफ जो है वो संचित रहता है, और इस समय में ज़्यादातर जो रोग होने वाले हैं प्रतिशय, जुकाम, छींके, सर दर्द, पेनस और इस तरह की साइनस की प्रॉब्लम, ये ज़्यादा बढ़ने वाले हैं और लोगों को होती है, क्योंकि अभी उतनी तरह से, पूरी तरह से गर्मी भी नहीं आई है और उसी तरह से ये आजकल का जो मौसम है इसमें ठंड भी नहीं कहा जा सकता। तो ये बीच का जो मौसम है, कभी सर्दी और कभी गर्मी, ये लोगों को ज़्यादा परेशान करता है। इस ऋतु में अक्सर आप देखेंगे कि आजकल वायरल फीवर भी होता है, लेकिन सब आयुर्वेद कहता है कि कफ की वजह से। इस मौसम में कफनाशक पदार्थों का सेवन करें। उन्होंने बताया कि बसंत ऋतु में दही का सेवन न करें, क्योंकि बसंत ऋतु में कफ का स्वाभाविक प्रकोप होता है एवं दही कफ को बढ़ाता है, अतः कफ रोग से व्यक्ति ग्रसित हो जाते हैं। शीत एवं बसंत ऋतु में श्वास, जुकाम, खांसी आदि जैसे कफजन्य रोग उत्पन्न होते हैं। उन रोगों में हल्दी का प्रयोग उत्तम होता है। हल्दी शरीर की व्याधि रोधक क्षमता को बढ़ाती है, जिससे शरीर रोगों से लड़ने में सक्षम होता है। इसके लिए सबसे बढ़िया है कि आप लघु आहार खाएं, जो आराम से पच जाए। आप उतना खाएं कि थोड़ी सी भूख रह जाए। और तीसरी बात कि आप अदरक का सेवन करें खाना खाने के बाद, और आप कोई भी गरिष्ठ भोजन ना खाएं, जो देर से पचता उसको ना खाएं, पनीर इत्यादि की सब्जी ना खाएं, और वो भोजन जो पचने में देरी लगाता है इसलिए उसको हमें नहीं लेना चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखें, और उसके साथ में दिन में सोना ये भी निषेध है इस रोग में, इसलिए हमें दिन में नहीं सोना चाहिए और इससे कफ की वृद्धि होगी। आजकल के मौसम में प्रातः काल उठ के जो है वो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जो है वो मॉर्निंग वॉक में जाना चाहिए, सैर करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए, और तिल तेल का जो है वो शरीर पे आपको मालिश करना चाहिए, इससे भी रोगों का बचाव हो सकता है। आप बाजार से कोई भी ठंडी चीज़ का इस्तेमाल नहीं करें, जैसे गन्ने का रस है या कोई ठंडी बर्फ़बारी कोई भी चीज़ उसका इस्तेमाल करेंगे। डॉक्टर ओम ने बताया कि मौसम के अनुसार भोजन हमारे शरीर और मन दोनों के लिए हितकारी होता है। मौसम के अनुसार भोजन में परिवर्तन करके आहार लेने वाले लोग सर्वदा स्वस्थ और प्रसन्नचित रहते हैं, उन्हें बीमार होने का भय नहीं रहता। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी।